तो का आज सिम्पली ट्राई करने वाले हैं तो काइज मिल्क नहीं आज बनाएंगे हम लोग मैगी जो बेसिकली मैं स्टार मॉल से लेके आया था और स्टार मॉल की मैगी कुछ इस प्रकार की मिलती है फुल पैकेजिंग और ये करीब एटी फाइव रुपये का मिला था इसका टेस्ट कैसा है आप लोगों को दिखा तो का आपने दस रुपये वाला मैगी खाया था बेसिकली हमारे यहाँ पर मिलता है बेसिकली दुकानों पर तो कैसे एट्टी फाइव वाला मैगी किस प्रकार का बेसिकली टेस्ट था है आप लोगों को आज दिखाएंगे तो वैस ये मेरी बहन देख रही है अंदर क्या क्या देखने को मिलता है तो भाई इसको फाड़ते हैं आप लोगों के सामने और देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है तो वह हफ्ते इस हफ्तेवाल इसको फाड़ के आप लोगों को दिखा देते हैं तो भाई इसके अंदर कुछ इस प्रकार का काटना पड़ेगा तो भाई काट लेते हैं पहले हम लोग तो भाई इसको अच्छे से काटने के बाद इसके अंदर दे देखने को मिलता है हम लोगों को सिंपल सिंपल कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ या फिर बोल सकते हो बेसिकली जैसे दस रुपये वाला मिलता है ना उसी प्रकार का बेसिकली कुछ स्लाइसेस हैं अंदर एक स्लाइस के टोटल छः स्लाइसेस है इसके अंदर और बेसिकली साठ रुपये पाँच रुपये दस रुपये का बेसिकली साठ रुपये बनता है तो भाई मुझे ट्वेंटी फाइव रुपये भाव देना पड़ा मुझको एक्स्ट्रा और इसके अंदर मिलता है मसाले का पैकेजिंग तो भाई ये भी छः पैकेट मिला है मुझे तो ये टोटल साठ रुपये का होता है लेकिन मुझसे एट्टी फाइव रुपीज चार्ज किया गया है तो गाइस मेरा यहाँ पे पूरा मेरा कट गया है और स्टार टाइम की मैगी को टेस्ट करेंगे आज और टेस्ट करते हैं शॉपिंग मॉल वाली मैगी को तो गाइस मैंने बर्तन के अंदर इसको दाल डाल दिया है उसके बाद हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे गैस के ऊपर तो गाइस के गैस पर डाल गैस के ऊपर डाल दिया है और एक मसाले को काटेंगे उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ बकवास किए तो मेरे शादी सारे भाईयों बेसिकली तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है उसको अंदर हम लोग पानी डालेंगे तो कहीं नॉर्मल पानी डालेंगे एकदम टेम्परेचर में और इसको बॉयल करेंगे कुछ देर के लिए तो कहीं जैसे आप लोग मैगी बनाते जानते होंगे तो कहीं जैसे मैग बॉयल करते हम लोग बॉयल करेंगे इसको अंदर मसाला ऐड करेंगे तो कहीं इस बॉयल करने के लिए भी काफ़ी देर लग रहा है पता नहीं क्यों तो कहीं गैस तो हमने फुल स्पीड में दिया है है लेकिन बेसिकली पानी गर्म नहीं हो रहा लगता है तवा थोड़ा सा मोटा है वैसे एक मसाला काट लेते हैं उसके टाइम पे तो वैज़ एक मसाला काटने के लिए हमको चाकू की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग काट लेते हैं और यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका है जैसे उबलता उबल रहा है आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है तो वही इसके अंदर मसाला ऐड करते हैं तो बस मसाला ऐड करने की निंजा टेक्निक सिंपली आप लोग काट के डाल दो तो वही मैगी का एक ही सबसे फेमस चीज़ है जो गैस बनाने के लिए दो मिनट लगता है उसके लिए बेसिकली दवा और गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा तो गैस अभी भी बेसिकली पानी थोड़ा सा ही गर्म हो चुका है और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर बेसिकली हमारा चम्मच इसको अच्छे से बेसिकली उबालेंगे उस पर उसके बाद में मसाला ऐड करेंगे तो गाइस अच्छे से मिलाने के बाद हमने मसाला ऐड कर दिया है और आप लोगों को मसाला ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है और इसको बॉईल करने के बाद चम्मच से कुछ हम लोग बंद कर देंगे और ये हमारा मैगी रेडी हो चुका है तो गाइस खाने के लिए अभी तो ये रेडी हो चुका है लेकिन थोड़ा सा हम लोग दम देंगे इसको इसके अंदर और थोड़ा सा मोटा हो जाए और बेसिकली इसके अंदर और जितने भी पानी पानी लगा हुआ है वो भी इसके अंदर सोख ले और मोटा हो जाए और टेस्ट भी बढ़िया आए तो गाइस इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे उससे पहले इसको थोड़ा दाम दे देते हैं तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छा खुश बाय बस ये रहा मैं तो कई मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाय